उधर कोई नहीं, इधर है, इधर है। So this was one of my most special birthdays because this was one of the first for many things. एक तो मैंने सबसे पहले अपने लिए इंटरनेशनल बिजनेस क्लास ट्रिप फ्लाइट टिकट बुक की थी और सेकंड मेरा बर्थडे ऑन एयर सेलिब्रेट हुआ था जो कि बहुत ही यूनिक एंड स्पेशल था। हम लोग इस बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक वीक के लिए वियतनाम आए थे। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम साउथ वियतनाम, दैट इज़ होची मिन सिटी। बहुत ही वाइब्रेंट शहर है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इन वियतनाम राइट नाउ। करंटली आई एम इन होची मिन सिटी एंड आई एम हियर टू सेलिब्रेट दिस वीक फॉर माई बर्थडे। या इट्स अ स्पेशल बर्थडे बिकॉज आपको पता है इस बार मैंने लाइफ में पहली बार आई गिफ्टेड माई सेल्फ अ बिजनेस क्लास ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप। ओके, तो एयर इंडिया का था, बहुत बढ़िया फ्लाइट था। वैसे एयर इंडिया का बिजनेस क्लास काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट यू नो द पर्सन हु ट्रीटेड अस, अमरजीत एंड दुष्यंत, दे वर वेरी गुड। सो इट दे मेड इट स्पेशल, देन दे सेलिब्रेटेड माई बर्थडे ऑन एयर जब हम फ्लाइट में थे। छोटा सा केक उनके पास था, वी कट दैट। सो दे मेड इट वेरी स्पेशल फॉर मी। सो माई एयर इंडिया फर्स्ट टाइम बिजनेस क्लास वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। हालांकि 5.5 घंटे की फ्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू वियतनाम, बट इट वॉज दे मेड स्पेशल। सुबह वी हैव यहाँ पर बहुत फेमस है कूची टनल एंड मैं कहूँ ये हम जा रहे हैं, गेट योर गाइड से बुक किया है। वेदर अभी ठीक है, मतलब साउथ में ठीक है, नॉर्थ में थोड़ा सा साइक्लोन एंड टाइफून टाइप हो रहा है बट। और सुबह सुबह मैं आ गई जिम करने, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं कहीं भी घूमने जाऊँ जिम चाहिए होता है, मतलब मैं मुझे पता है होटल्स में जिम होता है। तो चलो कंटिन्यू वॉचिंग द व्लॉग। So we started a day 2 in Vietnam with the Kuchi Tunnel and Mekong Delta trip. काफ़ी अच्छा था, हमने पूरा जो ट्रिप है खुद पर्सनली ही बुक किया था सब कुछ, मतलब उत्सव ने ऑर्गेनाइज़ किया था। ही इज़ अ ट्रैवल फ्रीक, ही लव्स दिस जॉब। मैं तो उसको कहती रहती हूँ कि अगर वो कंसल्ट नहीं होता, कंसल्टेंट जो उसका काम है मैनेजमेंट कंसल्टेंट का, तो वो एक मेक माई ट्रिप या बिजनेस ट्रिप एडवाइज़र, ऐसा कुछ ट्रिप एडवोकेट, ट्रिप एडवाइज़र हो जाता, लाइक अ ट्रैवल गाइड। सो बेसिकली कूची टनल हैज़ टू ऑफर एवरीथिंग अबाउट वियतनाम इज़ वॉर, वहाँ पर वॉर फॉट हुआ था, सो इट्स अमेजिंग, दैट प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट। मेकोंग डेल्टा में दे टेक यू टू दिस विलेजेस, 4-5 विलेजेस में लेके जाएंगे आपको, बोट राइड करवाएंगे, उनके कल्चर से आपको मिलाएंगे एंड डिफरेंट फूड्स एंड क्विजीन, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब दिखाएंगे। काफ़ी यूनिक है, आई रियली एन्जॉय दीज एक्सपीरियंसेस। एंड उस दिन रात को भी हम लोग होची मिन शहर एक्सप्लोर कर रहे थे, हैपनिंग जो प्लेसेस है वहाँ पर गए थे, काफ़ी सेफ, वाइब्रेंट, अच्छा लगा मुझे। थर्ड डे अगेन आई वेंट टू द जिम, जिम में कोई नहीं जाता था बट मैं जाती थी। ये हमारा लास्ट डे था होची मिन में, सो मॉर्निंग में वी डिसाइडेड कि हॉप एंड हॉप ऑफ टूर कर लेते हैं, पूरा शहर अच्छे से घूम लेंगे। मैं कभी भी कहीं भी घूमने जाती हूँ ना, एक बार तो हॉप ऑन हॉप ऑफ करती हूँ, मेजर स्पॉट्स आपको दिखा देता है, तो दैट इज़ लाइक अ वेरी टूरिस्टी थिंग टू डू एंड काफ़ी अच्छा था। एंड शाम को हमारी फ्लाइट थी फ्रॉम होची मिन टू दनांग, विच इज सेंट्रल वियतनाम। हेलो, सो वी आर नाउ गोइंग, वी आर नाउ इन दनांग फ्रॉम होची मिन टू डे, नाउ इन दनांग वी आर गोइंग टू बाना हिल्स एंड रात को जाएंगे होयान में। सो फोर्थ डे इन वियतनाम, हाउ इज द ट्रिप गोइंग फॉर यू उत्सव? I am the organizer, so it has to go good. Yeah, so he is the organizer for my birthday, but we are sharing the trip, like costs. But organization and head of the trip is him. So send me the commission. Send you the commission? Okay, 2% commission for organizing. 2% is very less. 80% And rest is my love. That comes for free. So we are now going to this interesting place. Its name is Bana Hills. तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, दनांग इज़ वेरी हॉट बट हम जाएंगे परसों 11 को हम जाएंगे हनॉय,
वहाँ पर भी बहुत बारिश हो रही है, टाइफून आया था दो तीन दिन पहले, तो अभी वहाँ पर वेदर जो है बहुत बारिश वाला है, बट होपफुली द टाइफून हैज पास्ड एंड वी कैन एक्सप्लोर. तो टुडे इज माय बर्थडे. कुछ टिप्स आप देना चाहोगे एज एन एक्सपर्ट ऑन वियतनाम टूरिज्म, एक्सपर्ट टू पीपल हु वांट टू कम? कुछ टिप्स होगा, इतना तो हम घूम लिया चार दिन. मेरा ये टिप होगा कि यहाँ पर कॉफी आप जरूर पीजिए, क्योंकि इतना कॉफी हॉपिंग पब हॉपिंग आई विल आल्सो नॉट रिकमेंड. उधर कोई नहीं, इधर है तो वेरी गुड कॉफी. पब हॉपिंग नहीं, कॉफी हॉपिंग, हॉपिंग कॉफी हॉपिंग, बिकॉज इतना कॉफी शॉप है, इतना रात रात तक खुला रहता है कॉफी शॉप, इट्स क्रेजी. सो कॉफी सीन इज क्रेजी. एंड और कुछ खाना इज गुड, नॉन फॉर नॉन वेज, फूड इज गुड फॉर नॉन वेजिटेरियन, बट वेजिटेरियन विल गेट गुड टोफू. टोफू इज गुड हियर. डू नॉन वेज के लिए तो बहुत ऑप्शन है, नॉन वेज के लिए बहुत ऑप्शन है. यहाँ पे तो वेज है, यहाँ पर तो वेज में बोल रहे थे. हाँ, मुझे यहाँ पर वेज में बोल रहे थे सी फूड, और मुझे वो भी बोल रहे थे अंडा भी तो यहाँ पर वेज है ना. वेज है, एग्स तो खा लेते हैं, एग्स बहुत लोग खा लेते हैं, एग्स है. टोफू बहुत अच्छा इनका, तो आई एंजॉय टोफू अ लॉट. एंड या दैट्स अबाउट इट. एंड कोकोनट मिल्क कॉफी, ओह दैट्स सो गुड. चलिए अभी आपको मैं दिखाती हूँ. काफी लंबा है ये केबल कार राइड, एशिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट. आई थिंक वी डिड द लास्ट वन इन हांगकांग, दैट वाज आल्सो प्रीटी लॉन्ग, एंड दिस इज आल्सो प्रीटी लॉन्ग. दनांग से शाम को ड्राइव करके हम पहुंच गए होयान. नाउ दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस. हमारा मेन लोकेशन होयान ही था, इतना ब्यूटीफुल है. सबसे पहले तो इसका ट्रेडिशनल जो सबसे फेमस लैंटर्न बोट राइड है, यही जाके किया. एंड आई वाज मेस्मराइज्ड लुकिंग एट दिस लोकेशन. ओके जी, सो अभी हम लोग हैं होयान में. आई मीन आई विल हाईली रेकमेंड पीपल टू कम एंड जस्ट स्टे इन होयान. इतना सुंदर एक टाउन है, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टाउन, बहुत सुंदर है, लाइक आई लव इट. तो आज रात भी हम यहाँ रुकेंगे, फिर कल हम जाएंगे हनोई. एंड या सो आई वाज जस्ट डूइंग माय वर्क, बिकॉज आई हैव द प्रिविलेज टू वर्क फ्रॉम एनी वेयर, क्योंकि मुझे लैपटॉप ऑनलाइन पूरा काम है. तो डाइट प्लान बनाया, कॉल्स भी ले रही हूँ यहाँ पर, एडिट भी कर रही हूँ वीडियो. सो इट्स जस्ट बिकॉज उत्सव का जॉब है गुड़गांव बेस्ड, दैट इज वाई हम लोग वहाँ रहते हैं, वरना मेरा और उसका दोनों का बस चले तो हम लोग घूम घूम के रहना ही पसंद करेंगे. मतलब आपको अगर यहाँ पर आके शांति से रहना है तो शांति से रह सकते हो, अगर पार्टी करना है, आपका वाइब कुछ ऐसा है तो वो भी कर सकते हो. बहुत ही ब्यूटीफुल है. आज हम होयान में ही चिल करेंगे थोड़ा सा, एंड चलिए दिखाएंगे आपको हम लोग क्या करेंगे. एंड तब तक मैं अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ. इतना सुंदर है होयान, सुबह भी अलग है और रात को तो अलग ही, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब है. सो आई एम उत्सव इज कॉन्स्टेंटली क्लिकिंग माई इंस्टाग्राम रील्स एंड फोटोज एंड ऑल, एंड मैं यूट्यूब में थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ. मतलब आपको आना पड़ेगा, यू हैव टू कम टू होयान, इट्स ब्यूटीफुल, आई एम जस्ट लविंग इट. सो बेसिकली होयान में भी हम 2.5 days रुके थे. सो 2.5 days इन साउथ, 2.5 days इन central. We had planned to go to Hanoi, which is north, but because of the typhoon and floods we cancelled it. So 7 days ka jo hamara trip pehle tha itinerary, usko humne cut karke 5 days ka kar liya. Now hamari jo total cost aayi hai, it was around 70,000 for 5 days, including normal airfare. Business class upgrade ka isme included nahi hai, and na hi shopping hai.
हाय, सो वी आर एट द एयरपोर्ट, टाइम टू गो बैक. हमने अपना ट्रिप जो है दो दिन कट कर लिया, प्रीपोन कर लिया फ्लाइट, क्योंकि ना नॉर्थ वियतनाम में जहाँ पर अभी हम जाने वाले थे लास्ट 2-3 डेज के लिए, वहाँ पर ना फ्लड हुआ है. बिकॉज फ्यू डेज अगो वी दे हैड अ टाइफून, जिसकी वजह से अभी थोड़ी थोड़ी टूरिस्ट स्पॉट्स पे देर हैव बीन लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स, जो होता है यूजली एक साइक्लोन एक टाइफून के बाद, तो थोड़ा रिस्की हो जाता, तो हमने कैंसिल कर लिया है. सो लकीली, बहुत लकी है हम लोग कि हमारा जो भी टूर था ना, ऑल ऑफ देम वेर रिफंडेबल. एंड द होटल दैट वी हैड बुक, दैट वॉज फ्री कैंसिलेशन एट एनी टाइम. उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था क्रेडिट कार्ड डिटेल. एंड दैट होटल इज हनॉय में पैराडाइज होटल. सो शाउट आउट टू पैराडाइज होटल फॉर बींग सो कस्टमर फ्रेंडली. सो वन सेकेंड. सो लिटरली वी लॉस्ट नो मनी. तो कोई बात नहीं, हमने बहुत अच्छा खासा साउथ वियतनाम एंड सेंट्रल वियतनाम किया है. एंड नाउ हनॉय से डायरेक्ट फ्लाइट टू दिल्ली. एंड या क्योंकि फ्लड में स्टक हो जाएंगे, टूरिस्ट प्लेस में नहीं जा पाएंगे, फिर होटल में रहने का वेस्टेज ऑफ मनी. सो वी सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली. दैट्स अबाउट इट. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सिर्फ नॉर्थ वियतनाम करने आएंगे. वैसे हालांग भी तो बहुत सुंदर है, बट अभी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो चुका है. सो वी आर लीविंग एंड आई एंड माई ब्लॉग हियर. आई होप यू एन्जॉयड साउथ वियतनाम एंड सेंट्रल वियतनाम को मिलेगा. बट गाइस, सिर्फ होयान करने में वियतनाम आ सकती है, सिर्फ होयान. इट वॉज सो ब्यूटिफुल, सो मैजिकल. ऑलराइट, बाय बाय.